हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए, हेलो, आपको नमस्ते बड़े और छोटों को प्रणाम। तो चलिए, हम एक नई रेसिपी लेकर आ चुके हैं। इस रेसिपी हमने आलू और करेला का भुजिया बनाए हैं। तो एक करेला का भुजिया बिल्कुल भी करना नहीं, तो आप दाल भात के साथ खाइएगा और टेस्ट लीजिएगा, लुत्फ़ उठाइए हमारी रेसिपी की। डेली डेली एक नई रेसिपी। चलिए, आज हम नई रेसिपी की लेकर शुरुआत है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड अपने दोस्तों के पास। जैसे हम आपकी फैमिली हैं, आप अपने फैमिली के भी पास शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। देखने मैंने करेला को ले लिया था हम अब इधर, और आलू को भी काटा है, 6-7 प्याज लिया हम। प्याज करेला में ज़्यादा डालना है, जैसे कि करेला की रेसिपी तीता नहीं लगेगी। प्याज जो बनाएंगे, जो भुजिया हम बनाएंगे आज, वो एक बम भी करवा नहीं लगेगा। तो देखिए, चलिए, हमने तेल गरम कर लिया था, इसमें थोड़ा जीरा हल्का सा डाल दिया था। इसमें करेला को हम भूजने के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो करेला जब हम काटेंगे उसको पहले ही सुबह जब खड़े ही हम उसको धो लेंगे, तब उसको काट कर हम फ्राई करेंगे। उसको दोबारा धोना नहीं है काटने के बाद, हम पहले ही ऐसे ही खड़ा ही सब्जी को धो लेते हैं। उसको अंदर में पानी जाता है तो करेला का सब्जी या भुजिया अच्छा नहीं होगा। तो आप ऐसे ही धोएगा। तो देखिए, हमने नमक भी डाल दिया इसमें। करेला को एकदम लाल फ्राई कर लेना है, तब हम आलू डालेंगे। थोड़ा तेल हमें करेला की भुजिया में ज़्यादा ही डालना पड़ता है। देखिए, जैसे आपके देख ही रहेंगे, हमने 6-7 करेले डाले थे, 3 आलू छोटे से काटे हैं। आप ये दाल भात के साथ भुजिया खाइएगा, ज़रूर टेस्टी लगेगा आपको, क्योंकि हम रोटी के साथ तो करेला के भुजिया नहीं खाते हैं, इसीलिए आपको दाल भात पे बोल रहे हैं खाने के लिए, ये बहुत ही टेस्टी आएगा। तो चलिए, अब आलू डाल दिए, आलू को फ्राई भी कर लेते हैं इधर हम। अब प्याज को भी हमने 6-7 प्याज लिए थे, उसको भी चॉप कर लिया है। अब इसमें हल्दी और नमक केवल डलाएगा, तीखा तो नहीं डलाता है, क्योंकि करेला ऐसे ही कड़वा रहता है, जिसको हमें खाने में बहुत ही तकलीफ होता है। तो देखिए, अब हमारा भाजी तो हल्का हो चुका है। अब इसमें हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक पहले भी हमने ऐड किया था। तो फ्रेंड, मेरी हर एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इसमें करेला का भड़ुआ भी बनाया है हमने, करेला का चोखा भी बनाया है मेरी रेसिपी में। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको सभी वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इधर हमने प्याज भी डाल दिया है इसमें। अब प्याज को हम ज़्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि करेला कड़वा रहता है, इसीलिए आप सोचिएगा कि 1-2 प्याज डाल देंगे तो करेला का भाजी हमें कड़वा ही लगेगा, जैसे कि तीतापन आएगा, इसीलिए आप प्याज दो ज़्यादा ही डालिएगा, अच्छा होगा। तो देखिए, अब इसे ढंकेगा नहीं, थोड़ा तेज बा आँच पर हमें पकाते रहना है, और लाल कर लेंगे अब हम, ज़्यादा ही लाल करना है करवाने होता है। देखिए, अब फ्राई भी हो चुका है हल्का सा, और फ्राई करेंगे हम करेला की भाजी। तो फ्रेंड, फुल वाच देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, तभी तो आपको समझ में आएगी कैसी रेसिपी बनी है कैसी नहीं। तो देखिए, इधर हमारे वह करेला की भाजी बिल्कुल रेडी भी हो चुका है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, इसके लिए एकदम बाय बाय, अब और छोटों को प्रणाम। तो चलिए, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट दिन, बाय फ्रेंड।